को ये जो वादे किए जा रहे हैं, ये वादे इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आपकी सरकार से कोई जवाब दे ही ना रहे। चार साल के बाद आपको क्या गारंटी है कि आपके पास आपका संविधान भी बचेगा या नहीं? मैं कह रही हूँ वोट हमारा दिक्कत नहीं है, अभी सबसे बड़ी दिक्कत एक और है, वो जो ईवीएम जिसमें जो एक तोता है जिसके अंदर बीजेपी की जान बसी हुई है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारी वो। क्या सेना को यंग बनाएंगे जो दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा उन लोगों को, उन युवाओं को जिनसे आजादी छीनी जा रही है? आपका जो बेसिक मूलभूत चीज है, जो आपका राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जब आपसे वही छीन लिया जा रहा है तो चार साल के बाद आप क्या देखेंगे? अरे देश बचेगा ही नहीं। आप बात करें वोट पे, मैं कह रही हूँ बार बार देश को बर्बाद करने की योजना है, देश को खत्म करने की योजना है, संविधान को खत्म करने की योजना है। संविधान खत्म होगा तो ये ताकतवर होंगे, संविधान खत्म होगा तो मनुस्मृति आएगी। दो ही बात है इस देश में, एक ब्राह्मणवाद एक हिंदुवाद। जब बाबा अम्बेडकर का टाइम था, जब सावित्री बाई फुले का टाइम था, जब शाहू जी महाराज का टाइम था, या महात्मा फुले का टाइम था, तब वो लोग लड़े थे तो उन्होंने कलम पकड़ाई थी हाथों में। आज झाड़ू कैसे आया हाथों में भाई? झाड़ू पकड़ाया ना हाथ में। तो ये वो राजनीति है कि दोबारा से आपके हाथों से कलम को किताब को छीना जाए, झाड़ू को पकड़ाया जाए, आपसे वही काम करवाया जाए जो उस टाइम पे करवाया जाता था। तो आपको गुलाम बनाया जाएगा कि नहीं जाएगा? कुछ नहीं है। मैंने प्राइवेट प्लेयर्स को एंटर करवा के, मैंने पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ दे दिया, युवाओं का भविष्य खतरे में है और मेरे पास कुछ नहीं है। जिस तरीके से चीन आप देख रहे हैं अंदर घुस रहा है, अपनी दीवारें बना रहा है, बॉर्डर बना रहा है, अपने घर बना रहा है, साफ जाहिर होता है कि ये छोटा गेम नहीं है, ये बहुत अच्छे लेवल पर गेम हो रहा है। ये जो संघ के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जिनकी सरकार है, मैं नहीं कहती ये बीजेपी की सरकार है, मैं बार बार यही कहती हूँ ये संघ की सरकार है, ये उन लोगों की सरकार है, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना के साथ भी इन्वॉल्व होके, उनके साथ भी इन्वॉल्वमेंट करके इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इस देश की जवाबदेही उनके हाथ में ना रहे, किस तरीके से ये देश बर्बाद हो ये उस चीज़ का काम हो रहा है। जी ठीक है, अभी आपने एक बात कही कि जंतर मंतर पर आए और प्रदर्शन करें, जगह जगह से दिल्ली आकर अपना प्रदर्शन जारी करें, हिंसा ना करें, लेकिन उन्हें तो दिल्ली आने से भी रोका जा रहा है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि इसी चीज पे बात आती है ना, कि सबसे पहली चीज क्या है, संविधान ही हमारा खतरे में ना, लोकतंत्र खतरे में है। आपकी बात मैं टोटली अग्री करती हूँ कि उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है, वो मतलब ये इस देश में इस तरीके से होगा कि हर तरीके से आपको ऐसा किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, आप आवाज उठाओ तो कहाँ उठाओ। वो जो मूव था देखने को हमें भी लगेगा, जिस तरीके से मेन मीडिया दिखा रहा है कि आग लगा दी, ट्रेन जला दी है इस तरीके से, और बातें कर रही है मेन मीडिया, इतने करोड़ इतने लाखों का, इतने करोड़ों का खर्चा हो गया, इतना बर्बाद कर दिया पैसा, तो आप ऐसी पॉलिसी से क्यों लाते हो भैया जो इस तरीके से बर्बादी हो? यूथ चाहता है, लोकतंत्र है हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधानिक तरीके से वो चाहता है हम प्रोटेस्ट करें, हम अपनी आवाज़ उठाएं। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप आवाज़ कर सकते हैं, दिल्ली कूच कर सकते हैं और अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। जब आप उस जगह पे भी आने के लिए रोकेंगे, जो कि हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो इंटरव्यूज आ रहे हैं, जो वायरल, यस यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो चीज़ें वायरल हो रही है वहाँ पे आ रहा है कि हमें तो यहाँ तक भी आने नहीं दिया जा रहा, तो हमारे पास बचा क्या? तो उनके पास बचा जो उन्होंने अपना एंगर दिखाना था, अपना एक डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू में उन्होंने उस तरीके से दिया, विच इज क्या चीज अच्छाई बता रही है, अग्निपथ की अच्छाइयां गिना रही है मीडिया। मैं वही तो कह रही हूँ, मीडिया तो मोदी जी की भी अच्छाई बताती है। आप मुझे बता दीजिए 2014 के बाद से एक भी काम इस तरीके का किया हो मोदी जी ने जो अच्छा हो, आप मुझे बता दो। तो यही चीज है मीडिया, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकाऊ गोदी मीडिया से? बार बार ये टॉपिक भी अब घिसे पिटे लगते हैं, वो आपको किस चीज़ की, जो जिनकी जेबें जिनसे भरती हैं वो उनके लिए अच्छा ही बोलेंगी ना। मीडिया बिक चुकी है, मीडिया अभी जो मेरे सामने मीडिया खड़ी है ना, चाहे ये चैनल हो गया वॉइस नेटवर्क, यही है ना आपके चैनल का नाम, चाहे बहुजन टीवी हो गया, लोकतंत्र आई थिंक, यही आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, तो ये जो मीडियाज है, आई एम सॉरी, ये मीडिया जो है, यही मीडिया है जो सोशल मीडिया है। कौन कौन बता रहा है अच्छाई? हाँ, जो कर्नल है वो सब टीवी पर आ गए हैं, रिटायर जो फौजी, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहती इस तरीके से कि उनको आहत हो, हाँ उन जो वो पेंशन ले रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनी जेबें भर चुकी है, अपना काम हो चुका है, कहीं ना किसी तरीके से आई कैन से इट ऑन रिकॉर्ड, बिना किसी डरे उनकी जेबें भर चुकी होंगी बीजेपी से, संघ से, इसलिए वो ये बकवास टीवी पे आके खुलेआम कर रहे हैं। और जिन चैनलों पे वो ये बातें कर रहे हैं, वो चैनल भी किन के हैं, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अग्निवीरों के लिए जो अभी योजना बनाई है, उसके बाद चार साल बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे,
जो उनको कॉर्पोरेट हाउस में जो है अच्छी नौकरियां मिलने का दावा किया जा रहा है। अच्छा, आपको तो ये भी दावा किया जा रहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, आपको मिले 2 करोड़ रोजगार। आपको तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि मोदी जी की तरफ से मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या हो रहा है आपके पास नौकरी है? सीधी सी बात है, सरकारी समझिए इस चीज को, ये जो वादे किए जा रहे हैं ये वादे इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आपकी सरकार से कोई जवाब दे ही ना रहे। 4 साल के बाद आपको क्या गारंटी है कि आपके पास आपका संविधान भी बचेगा ये नहीं? 2024 में आपके पास ये जो आप सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया भी दिया हुआ, यूट्यूब जो आपको देन इस देश की नहीं है, ये भी दी हुई देन आपको विदेश की है, तो क्या गारंटी है आपके पास कि सोशल मीडिया भी रहे बात करने के लिए या नहीं रहे? आप 4 साल की बात कर लें, वो तो बड़े अच्छे अच्छे जुमले करते हैं कि 4 साल 5 साल बैठ के आपका शोषण करते हैं, आपको ठगते हैं 4 साल और की आपको कहानी सुना देते हैं। तो युवा ना बेवकूफ़ नहीं है, ये अभी जो ट्रेलर आप देखते हो ना मूवी के, ये जो अभी हुआ है ना, जो ट्रेनें जलाई गई हैं, ये बहुत ही आहत दी है इस चीज़ों ने हमें, क्योंकि ये युवाओं के अंदर भरा हुआ रोष है और ये ट्रेलर है। इसके आगे अगर इस तरीके से ये सरकार करती रही तो पता नहीं क्या होगा। 80% वो युवा है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। मैं वही चीज कह रही हूँ कि जो आप, ठीक है आप ये कह सकते हैं 80% युवा है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी को खाली वोट युवा नहीं देते, बीजेपी को वोट वो मशीनें भी देती हैं। हाँ जी जी जी, मैं मानती हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट उन्होंने रियलाइज तो किया कि हमने क्या गलती करी है। अभी भी मैं कह रही हूँ वोट हमारा दिक्कत नहीं है, अभी सबसे बड़ी दिक्कत एक और है, वो जो ईवीएम जिसमें जो एक तोता है जिसके अंदर बीजेपी की जान बसी हुई है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारी वो है, जिसके ऊपर इसी युवा को एक आंदोलन रचना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ जाति धर्म किसी से भी आप है, चाहे वो आप ऊंचे समाज से आते हैं चाहे आप छोटे समाज से आते हैं, आपको ये जागरूकता अपने दिमाग में रखनी चाहिए और आपको एक लड़ाई लड़नी चाहिए निजीकरण के लिए, संविधान को बचाने के लिए। अगर आपका संविधान बचेगा तभी आपका ये देश बचेगा, तभी आपके राइट्स बचेंगे, क्योंकि आज आप सुन रहे हैं ना, वो युवा कह रहे हैं कि हमें तो दिल्ली तक नहीं जाने दिया जा रहा अपनी आवाज उठाने के लिए, तो काहे नहीं जाने दिया जा रहा? एग्जैक्टली, यंग बनाएंगे वो, क्या सेना को यंग बनाएंगे जो दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा उन लोगों को, उन युवाओं को जिनसे आजादी छीनी जा रही है? आपका जो बेसिक मूलभूत चीज है, जो आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जब आपसे वो ही छीन लिया जा रहा है तो 4 साल के बाद आप क्या देखें? मगर उनका कहना है कि युवा हमेशा रोजगार मांगता नजर आता है, तो रोजगार तो दिया जा रहा है। बेवकूफ इतने हैं ना, मतलब शर्म आनी चाहिए, युवा रोजगार नहीं मांगेगा, मूर्खों तो युवा क्या मांगेगा तुमसे? तो रोजगार लड़ाई में एग्जैक्टली कौन सा, एक सेकंड, किस तरीके का रोजगार मिल रहा है? रोजगार कौन सा मिल रहा है? बीजेपी को युवाओं को रोजगार मिल रहा है दंगे करने का, फिजा जाति धर्म पे बात करने का, मुसलमानों के प्रति नफरत करने का, दलितों पे अत्याचार करने का, क्योंकि अगर आप वो ये करेंगे तो उनकी जेबें भरी जाएंगी, उनको 500 रुपया और रात को एक दारू की बोतल दी जाएगी, ये रोजगार मिल रहा है? जो युवा, अगर रोजगार मिल रहा होता तो जिस तरीके से अभी युवा भड़का है और रेलें जल रही हैं और जिस तरीके से देश के अंदर, देश की इतनी बदनामी हो रही है बाहर के लेवल पे, देश का इतना बुरा हाल हो रहा है, वो नहीं हो रहा होता। देश के पास ना ही तो रोजगार है ना ही तो पैसा है, बुरा हाल हो रहा है देश का, और जो योजनाएं बन रही हैं वो देश को बेचने की योजनाएं बन रही हैं। हाँ, क्योंकि हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम ही तो लोग इन लोगों के दुश्मन हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जागरूक करते हैं, हम लोग सच्चाई दिखाते हैं, हम लोग बताते हैं कि ये जो सरकार बैठी है ठग लेगी, ये जो सरकार बैठी है सब कुछ बेच देगी, निजीकरण कर देगी, 4 जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं उनकी जेब भर देगी, आप लोगों की जेब में से पैसा कैसे निकाल के ले जाएगी, देश को बर्बाद कर देगी, गुलामी आ जाएगी, वर्णाश्रम दोबारा आ जाएगा, हम आपको जागरूक कर रहे हैं इसलिए हम इस सरकार के दुश्मन हैं, क्योंकि कुछ लोग देश में बोल रहे हैं वो लोग हम हैं। क्या लगता है योगी की जो योजना है वो देश को किस तरफ, किस मोड़ पर ले जाके खड़ा कर देगी? अरे देश बचेगा ही नहीं, आप बात करें मोड़ पे, मैं कह रही हूँ बार बार, देश को बर्बाद करने की योजनाएं हैं, देश को खत्म करने की योजना है, संविधान को खत्म करने की योजना है, संविधान खत्म होगा तो ये ताकतवर होंगे, संविधान खत्म होगा तो मनुस्मृति आएगी। दो ही वाद है इस देश में, एक ब्राह्मणवाद एक मनुवाद, मनुवाद बढ़ेगा तो जो 3% लोग हैं जिनका सब सारी जगहों पे कब्जा है, सारे संसाधनों पे कब्जा है, उन लोगों का राज बढ़ेगा। अगर आप मांग करेंगे कि हाँ जी हमें जातिगत जनगणना करनी है, बहुजनों का अधिकार कहाँ है, अब दलित का बच्चा या पिछड़े समाज का बच्चा मेरी तरह मुखर होकर अगर आगे आके बोलता है 4 किताबें पढ़कर, तो यही तो बंद करना है ना, क्योंकि मैं पढ़ूंगी, मेरा समाज देखेगा कि ये बच्चे के मुंह में जुबान है, ये सही चीज बोल रही है। आज मैं बोलूंगी कि भैया जब हमारे महापुरुष लड़े थे, जब बहुजन महापुरुष लड़े थे, सुनिएगा ध्यान से, जब बाबा अंबेडकर का टाइम था, जब सावित्री बाई फुले का टाइम था, जब शाहूजी महाराज का टाइम था, या महात्मा फुले का टाइम था, तब वो लोग लड़े थे तो उन्होंने कलम पकड़ाई थी हाथों में। आज झाड़ू कैसे आया हाथों में भाई?
आज झाड़ू कैसे आया हाथों में? दो जवाब इस चीज का, 4000 साल पहले कलम थी, हजारों साल जब बाबा साहिब थे 70 साल पहले कलम थी, आज हाथ में झाड़ू कैसे आया? जवाब दोगे मुझे? ये पॉलिटिकल राजनीति नहीं है, गुलाम बनाने की राजनीति नहीं है, शिक्षा को और कलम को हाथ से छीनने की राजनीति नहीं है, तो क्या है? झाड़ू पकड़ाया ना हाथ में, तो ये वो राजनीति है कि दोबारा से आपके हाथों से कलम को, किताब को छीना जाए, झाड़ू को पकड़ाया जाए, आपसे वही काम करवाया जाए जो उस टाइम पे करवाया जाता था, तो आपको गुलाम बनाया जाएगा कि नहीं जाएगा? सब कुछ। इसीलिए अगर आज डॉक्टर ऋतु सिंह बोल रही है, आवाज उठा रही है, तो जागरूक कर रही है ना अपने आप को और युवा को, ये दिक्कत है, ताकि ये आवाज बंद हो, निजीकरण सब उनके हाथ में चले, कहीं इनका जो बहुजन दलित युवा है वो बोलेगा कि हमारे 95% लोग ऑलमोस्ट बैठे हैं आज भी, जिसका बाप सीवर में उतरता है वो कचरा उठा रहा है, आज भी हमारे पास शिक्षा नहीं है, आज भी हमारे बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में चले जाओ, हकमारी हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते, मुझे ये बताएं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले आए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? वो भी निजीकरण है, वो भी प्राइवेटाइजेशन है। जो आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्लीज पत्रकारों इन चीजों को उठाओ, क्योंकि जो सोशल मीडिया का फ्रीडम आज आपके हाथों में वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो 4,500 आज 10 सालों से 12 सालों से, मुझे एक चीज बताएं आप, अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई टीचर परमानेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इन युवाओं को चार साल का जो अभी ये जो योजना लेकर आए, 4 साल का जुमला दिया जा रहा है, ये सरकार और ये प्रधानमंत्री आपको सिर्फ जुमला दे सकता है, क्योंकि 2010 के बाद आप कहीं के एग्जाम्पल मत लो, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भी टीचर को परमानेंट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर संख्या है परमानेंट होने की, वो दलित आदिवासी भोजनों की है, SC ST OBC की। ये चाल नहीं तो क्या है, हकमारी नहीं तो क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी पूछे जाके एक FIR दर्ज हुई है, इतने सालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल पे 100 सालों में SC ST पे मुकदमा हुआ। अभी डॉक्टर रतनलाल यहाँ पे खड़े थे, तीन दिन के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया एक तुच्छी सी स्टेटमेंट पे, जो कि अभी हुआ भी नहीं है प्रूफ कि वो शिवलिंग थे कि नहीं थे। आपने गिरफ्तार कर लिया, करिए उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार जो पूरा फ्रॉड और फ्रॉजरी करके बैठी है, करिए तब, क्यों? क्योंकि वो मनुवादी है, क्योंकि वो ऊंची जात से आती है, इसलिए नहीं करते आप उसको गिरफ्तार। तो ये हाल है, मैं बस यही आप लोगों को कहना चाहूंगी, अपनी हकमारी मत कीजिए, मत होने दीजिए, जागरूक रहिए, आवाज उठाइए, सड़कें भरिए। सरकार नौकर है आपकी, मतलब जो आप MLA 131 लोग बैठे हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव इस समय पावर में, क्या है वो, क्यों नहीं बोलते? आपकी जितनी संख्या है, आपने उन नौकरों के हाथ में सत्ता दे दी है, इसलिए मैं बोलती हूँ, लोग सामाजिक अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, बट सोशल अपलिफ्टमेंट तभी होगी जब राजनीतिक अपलिफ्टमेंट भी होगी, उसकी भी बहुत सारी जरूरी है, दोनों पैरेलल चलनी चाहिए, एक सेकंड। और वो अपलिफ्टमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके हाथ में कलम की ताकत नहीं आएगी ना, आप लोग क्या करते हैं ना, इस वोट की ताकत से उनको कलम की ताकत दे देते हैं, वो ऐसी ऐसी योजनाएं बना के ना आपका गला काटते हैं, क्योंकि इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो सेना में भी भर्ती लोग होते हैं वो किनके लोग होते हैं, आप ही के, बहुजनों के, SC ST OBC के लोग सबसे ज्यादा सेनाओं में भर्ती हैं, डेटा उठा के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, देन यू कैन कम एंड क्वेश्चन।